दोस्तों आप देख रहे हैं वीओएस 24 न्यूज चैनल, मैं अब्दुल समद आपके साथ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी जो है मधुबनी के राठी चौक से सीधे आप रामपट्टी की तरफ जाते हैं उसी रोड में है, और ये देख सकते हैं आप ठाकुर ऑटोमोबाइल्स ई रिक्शा शोरूम है। और ख़ास करके जो है इस ई रिक्शा का नाम जो मैं आपको बताऊँ तो ठुकराल कंपनी का ई रिक्शा है। देख सकते हैं अन्नपूर्णा इलेक्ट्रिक्स की दुकान है, उसी के बगल में ठाकुर ऑटोमोबाइल्स है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑनर बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे डायरेक्ट और जानकारी लेंगे। इस शोरूम का नाम है ठाकुर ऑटोमोबाइल्स। अच्छा, ये कब से चल रहा है? ये पिछले साल हमने चालू किया है, इसको 2023 में चालू किया है और अभी शुरुआत ही है। क्या रिस्पॉन्स रहा? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, अभी तक हमने काफ़ी सेल किया है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और ग्राहक भी आ रहे हैं, जो लेके गए हैं वो भी संतुष्ट हैं, वो बार बार आ करके हमको अपनी गाड़ी की खासियत भी बता रहे हैं, तो रिस्पॉन्स अच्छा है, अच्छा मिल रहा है अभी तक। कस्टमर की बात की जाए तो कहाँ कहाँ से कस्टमर आते हैं? कस्टमर तो वैसे दूर दूर से भी आते हैं, वैसे पिलखवार से, मंगरपट्टी से, नाटी से, वो बेनीपट्टी से भी आते हैं, मधुबनी से भी आते हैं। दूर दूर से आते? हाँ, बेनीपट्टी का भी हमारे पास कस्टमर है, जो अभी गाड़ी लेके गए हैं, बेनीपट्टी का भी कस्टमर हमारे पास आते हैं। अच्छा, ये ई रिक्शा का क्या नाम? इसका नाम है ठाकुर ठुकराल ब्रांड। ठुकराल ब्रांड ई रिक्शा है ये। अच्छा, ये कितना दिन से ये कंपनी चल रही है? ये कंपनी तो बहुत पुरानी है, लेकिन मधुबनी में ये पहली बार लॉन्च किया है। मधुबनी में पहला? हाँ, मधुबनी में इसका डीलरशिप हम पहली बार लिए हैं। पहला शोरूम कैसा? हाँ, पहला शोरूम है मधुबनी में। अच्छा, ये बताइए कि इसका जो बैटरी बैकअप है, सबसे पहले ये कितना देर चलता है? इसका बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है। अच्छा। ये हमारा बैटरी जो है 135 का आता है, लेकिन हम इसको बदल करके 150 एम्पीयर का बैटरी देते हैं, जिससे इसका माइलेज जो है जो 100+ जाता है। 100+ जाता है इसका। और ये 4 घंटे में कंप्लीट चार्ज हो जाता है। 4 घंटे में फुल चार्ज? हाँ, 4 घंटे में फुल चार्ज होता है ये बैटरी। अच्छा, इसमें कितना बैटरी लगता है? बैटरी इसमें चार लगता है। इसमें चार बैटरी लगता है। तो ये चार बैटरी कितना दिन चलता होगा लगभग? मिनिमम मैक्सिमम लगभग 18 महीने का वारंटी है, लेकिन चलता तो उससे ज्यादा है, 2 साल लगभग चलता है ये। वारंटी 18 महीने का है, लेकिन उससे भी ज्यादा चलता है। वैसे ज्यादा चलता है। अच्छा, इसकी मोटर पावर की बात की जाए? इसकी मोटर पावर 1150 है। 1150। और इसमें कुछ अलग फीचर, मतलब कुछ और रिक्शा से अलग? कुछ और रिक्शा से अब तो वहाँ शुरू हो गया है, और रिक्शा से जैसे ये स्टील बॉडी है, कंप्लीट पूरा स्टील बॉडी है। इसमें मैट वगैरह भी लगा हुआ है। अच्छा। और ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ और रिक्शा में आपको नहीं मिलेगा, जो मोबाइल वगैरह रखने के लिए आपको काम आ जाएगा, या कोई भगवान का फोटो लगाना हो, ये सब और ऑटो रिक्शा में नहीं मिलता है। अच्छा, ये चीज़ नहीं मिलेगा? ये चीज़ नहीं, ये सिर्फ ठुकराल में ही मिलता है। अच्छा, पिकअप की बात की जाए तो कितना रफ्तार से इसको चला सकते हैं? 40 तक जा सकते हैं। 40? हाँ, 35 से 40 तक जा सकते हैं। 40 तक जा सकते हैं। जी जी। सीट की बात की जाए तो सीट क्या मजबूत होता है? सीट बहुत मजबूत होता है, देखिए सीट बहुत मजबूत होता है, और जैसे है वैसे ही रहता है, ये नहीं कि बाद में लूज हो जाता है या फट जाता है, इसकी बहुत हार्डनेस है सीट की। जी, ये बहुत बढ़िया सीट है। तो ये देख सकते हैं बॉडी की बात की जाए तो जिस तरीका से इनसे बात हुई है कि बॉडी स्टील बॉडी है फुल। बैटरी की बात की जाए तो लगभग जो है 4 बैटरी इसमें यूज़ होता है, और लगभग 100+ माइलेज देती है। कितना घंटा चार्ज करना पड़ेगा वो भी सर ने बताया, 4 घंटा चार्ज करना पड़ेगा। इसमें बैठ करके भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। कलर की बात की जाए तो अलग अलग कलर में भी आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं कम्फर्टेबल है। कोई भी खास करके जो है नौजवान लोग पसंद करते हैं ई रिक्शा चलाना, रात में चला सकते हैं। बहुत मतलब उजाला एकदम कर देता है। अच्छा। और हर तरह का लाइट है, पीछे भी लाइट इसमें लगा हुआ है, जो ब्रेक लाइट अलग है, इंडिकेटर अलग है, और उसके ऊपर अलग है, हर तरह का लाइट लगा हुआ है, पीछे भी लगा हुआ है, ऊपर में भी सामान वगैरह रख सकते हैं। और ये सब जो है देख रहे हैं, ये सब भी लाइट है, रात को आपको ठुकराल दिखेगा इसमें। अच्छा, ये लाइट ये जो है रात को आपको जब इसमें बल्ब जलेगा तो इसमें आप ठुकराल लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, और ई रिक्शा में ये सुविधा नहीं दी गई है? नहीं, और रिक्शा में नहीं है, शायद नहीं है। शायद से पीछे से कोई आ रहा है तो उसको देखेगा नहीं, तो इस ये देख करके लाइट समझ में आ जाएगा, साइड वाले को भी पता लग जाएगा ये ठुकराल का रिक्शा जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये तो देखने ही से लग रहा पूरा स्टील है, और प्लस पॉइंट ये दिया गया है इसमें कि ये ठुकराल कंपनी जो है, यहाँ पर पूरा आपको जो है बॉल सिस्टम दे दिया गया है, ये आपको चमकेगा, लाइट देगा रात में। तो ये कहीं ना कहीं और भी ई रिक्शा में हो सकता है, मैंने नहीं देखा है, लेकिन इसमें ये सुविधा दी गई है। तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे और बात करेंगे कि ये ठुकराल में क्या खासियत है। क्या नाम हुआ?
संजीत नाम हो। संजीत जी आप यहाँ काम करते हैं या मतलब लेने के लिए आए? नहीं नहीं, हम तो लेने के लिए आए। हमारे एक मित्र जो है वो थुकराज का लिए हैं, उनको हम देख रहे हैं बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है उनका, गाड़ी जो है सो मजबूत है, तो हमको भी लगा कि भाई थुकराज का ही लेना चाहिए। अच्छा, हाँ। वो कितना दिन पहले ले गए? वो अभी 10 दिन हो रहा है। 10 दिन पहले ले गए, तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, सब चीज़ बढ़िया। माइलेज की बात की जाए? माइलेज भी उनका ठीक है, एक बार चार्ज करने पे कम से कम वही 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर जा रही है, चल रहा है। हाँ, तो आप इसमें से कौन सा पसंद कर रहे हैं? नहीं, हम तो ये रेड वाला किए हैं। अच्छा, रेड वाला पसंद कर रहे हैं। जी जी। कलर की बात की जाए तो यहाँ सारे कलर मिल जाते हैं? सारे कलर मिल जाते हैं, हम तो रेड वाला इनको जो है सो खास करके ऑर्डर करके मंगवाए थे, क्योंकि इनके पास ख़त्म हो गया था, इसका मांग थोड़ा ज़्यादा है रेड वाले का, इसीलिए हम इसको जो है सो मंगवाए थे। अच्छा, और ई रिक्शा है, बहुत सारी कंपनियां हैं ई रिक्शा में, लेकिन खास करके जो ठुकराल में और क्या खासियत है? नहीं, इसका जो बॉडी पार्ट है हर चीज़ जो है सो मजबूत है इसका, बाकी जो कंपनी है उसके जो है सो ई रिक्शा के अपेक्षा इनका जो है सो हर चीज़ मजबूत है, चाहे कोई बम्पर हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ इनका। अच्छा, ये बम्पर हमको दिख रहा है, क्या और भी ई रिक्शा में इस तरीके का बम्पर नहीं है? नहीं है, लेकिन इतना मजबूत नहीं है, जितना मजबूत ये है उतना मजबूत उनका वो सबका नहीं है, मजबूत इसलिए। हाँ, तो ये देख सकते हैं, ये एक कस्टमर है, इनसे हमारी बात हुई, इनका कहना यही है कि कुछ दिन पहले हमारे मित्र ले गए हैं और उनको अच्छा लगा, इसलिए हम भी लेने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, ये बताइए कि सर्विस की बात की जाए तो यहाँ पूरा फुल सर्विस है? हाँ, यहाँ सर्विस है, पूरा सर्विस है, तीन सर्विस जो है वो आपको फ्री में है। अच्छा, और हमारे यहाँ स्पेयर पार्ट्स का भी व्यवस्था है। जी, जो स्पेयर पार्ट्स इसमें लगता है वो भी स्पेयर पार्ट्स का भी व्यवस्था है। अच्छा, कितने स्टाफ आपके यहाँ काम करते होंगे? हमारे यहाँ तीन स्टाफ है। तीन स्टाफ काम? जी, कंटिन्यू तीन स्टाफ काम कर रहे हैं, और मिस्त्री भी है जो, और अंदर भी हमारा गोदाम है जहाँ पर हम जो रिक्शा रखते हैं, पुराना रिक्शा जो वर्कशॉप में आता है काम करने के लिए, सर्विस कराने के लिए, अंदर भी रखने का व्यवस्था है, बाहर ये मिस्त्री काम करते हैं तो लोग देखते हैं, इसलिए काम बाहर करवाते हैं।